हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पास तीन सॉकेट हैं जो कि 5 पिन सॉकेट, एक स्विच है। तो यहाँ पर जो कनेक्शन है ये पहले से हो रखा है, आप देख सकते हैं हमने प्लग लगा के रखा है। ठीक है, तो मान लीजिए आपके बोर्ड में कनेक्शन पहले से है, आप MCV का कनेक्शन करना चाहते हो, तो हमारे पास ये MCV है। तो मान लीजिए आप MCV का कनेक्शन करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हैं? ठीक है, हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा बोर्ड है वो काम कर रहा है ना। ठीक है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार सिंपल सा। आप देख सकते हैं इंडिकेटर में लाइट आ रही है और इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं और स्विच को ऑन करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा बल्ब जल रहा है। ठीक है, बल्ब जल रहा है। तो इसी तरह हम यहाँ पर भी देख सकते हैं बल्ब जल रहा है और इसी तरह यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये तो बल्ब जल रहा है यानी कि हमारा बोर्ड सही है। अब हमें MCV कनेक्शन कैसे करना है? ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं और इसको हम ओपन करते हैं। दोस्तों आप MCV का जो कनेक्शन है आप फेज न्यूट्रल या फिर केवल फेज के लिए कर सकते हैं, यानी कि डबल पोल सिंगल पोल। तो ये सिंगल पोल है, हम केवल यहाँ पर फेज के लिए हम MCV का यूज़ करेंगे, न्यूट्रल के लिए नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप डबल पोल वाला ले लेंगे तो अपन फेज और न्यूट्रल दोनों का MCV से कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो इनपुट पॉइंट होता है वो नीचे वाले पॉइंट पर होता है, आउटपुट ऊपर होता है। ठीक है, यहाँ से हम इसमें सप्लाई देंगे यानी फेज वाली पॉइंट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फेज वाला पॉइंट स्विच के नीचे वाला पॉइंट दिया है, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, हमें फेज देना है MCV के नीचे लेवल पॉइंट पर। ठीक है, जो कि हमें इसको लगाना है। ठीक है, तो नीचे लेवल पॉइंट हम यहाँ पर अपने MCV में कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है, तो हमने वायर को लगा दिया यानी कि फेज वाला पॉइंट हमने MCV में लगा दिया है। ठीक है, और जो ऊपर वाला पॉइंट है इसका, ठीक है, जो ऊपर वाला पॉइंट है यानी कि ये आउटपुट, तो इसको हम लगाएंगे फेज वाले पॉइंट पर, यानी कि स्विच में हमने जहाँ पर लगाया था वहीं पर लगा देंगे। ठीक है, MCV का हम यूज़ फेज के लिए कर रहे हैं तो ये फेज में ही हमने लगा दिया है। ठीक है, तो जो हमारी सप्लाई आ रही है यहाँ से, फेज से सप्लाई आएगी यहाँ पर, पहले इसमें आएगी उसके बाद फिर यहाँ पर आपके बोर्ड में आएगी। ठीक है, तो हमने कनेक्शन कर दिया है, बोर्ड हो गया, ये हमारी MCV हो गई है। ठीक है, और ये प्लग है, तो ये एक्सटेंशन बोर्ड है, इसको हम यहाँ पर लगाते हैं। हमने स्विच को अभी ऑफ करके रखा है, MCV हमें लगी, MCV ऑफ है, यहाँ सब स्विच को ऑन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम बल्ब लगा लेते हैं अपना, ये मान लीजिए हमने बल्ब यहाँ पर लगा लिया है, अभी जल रही ना, यहाँ पर स्विच ऑन है आप देख सकते हैं। तो MCV को हम ऊपर करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा बल्ब जल रहा है। ठीक है, तो अब इसमें से MCV से बोर्ड में सप्लाई आ गई, तो यहाँ से भी हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और MCV से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान देना है कि जो इसकी सप्लाई है वो नीचे से इनपुट आती है यानी कि फेज आती है, उसके बाद आउटपुट आप कहीं भी लगाना चाहें MCV का, तो बोर्ड में आप वहाँ से लगा सकते हैं आगे वाले पॉइंट से। नीचे वाले पॉइंट पर आपको सप्लाई देनी फेज जो कि यहाँ से आई है, उसके बाद यहाँ पे लगा देना। ठीक है, आप यहाँ से MCV कनेक्शन कर सकते हैं इसी तरह कहीं भी। ठीक है, आप डबल पोल करना चाहेंगे तो जो न्यूट्रल कनेक्शन है दूसरा पोल होगा, इसकी जो सप्लाई होगी यहाँ से नीचे वाले पॉइंट पे लगेगी, ऊपर वाले पॉइंट से न्यूट्रल वाले पॉइंट पे आ जाएगा, तो दोनों पोल हमारे कनेक्शन हो जाएंगे MCV के। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।